राजस्थान के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव की मतगणना जिला मुख्यालयों पर जारी है। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि 6 जिलों के 200 जिला परिषद सदस्य, 1564 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं 78 प्रधान उप प्रधानों के लिए चुनाव होना था। इनमें से 1 जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायती समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस तरह से 199 जिला परिषद और 1537 पंचायती समिति सदस्यों के परिणाम आज जारी होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हुए तीनों चरणों में 64.40% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मेहरा ने बताया कि मतगणना में उन्हीं कार्मिकों अधिकारियों को नियोजित किया गया जिन्हें कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी हो। तो वहीं जयपुर जिले की मतगणना राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में होगी। राजस्थान कॉलेज में 7 पंचायत समितियों की और कॉमर्स कॉलेज में 15 पंचायत समितियों की मतगणना होगी। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में आज पंचायती राज चुनाव के लिए मतगणना जारी है। दौसा में पीजी कॉलेज को मुख्य मतगणना स्थल बनाया गया है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सोमनाथ से लेकर गांधी तिराहे तक दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि दौसा जिले की 11 पंचायत समितियों के उम्मीदवारों का आज फैसला होगा, साथ ही जिला प्रमुख और प्रधान की भी तस्वीर साफ होगी। सिरोही में भी पंचायती राज चुनाव 2021 के तहत पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनावों को लेकर मतगणना शुरू हो गई है, जहां प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कॉमर्स कॉलेज, जहां हमारे संवाददाता लोकेश ओला हमसे लाइव जुड़ रहे हैं और बताएंगे वहां क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। जी लोकेश, बताएं क्या कुछ चल रहा है वहां पर। देखिए 9 बज चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों में मतगणना है वो शुरू होगी। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में जो चुनाव हुए थे और जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए, उसकी आज मतगणना शुरू होने जा रही है। तस्वीरें हम यहां पर दिखाना चाहेंगे। ये सांगानेर पंचायत समिति के मतगणना स्थल है, देखो इस कक्ष में। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 6 जिलों में मतगणना जारी है और ये नज़ारे हम देख रहे थे कॉमर्स कॉलेज के, जो हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि कुछ क्षणों में यहाँ पर भी मतगणना शुरू होने को है और आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। जिला प्रमुख और प्रधान की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और इसी को लेकर मतगणना जारी है। 6 जिलों में आज मतगणना होनी है।
एक बार फिर से रुक करेंगे एवन संवाददाता लोकेश ओला की ओर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव कॉमर्स कॉलेज से। जी लोकेश, हमें एक बार फिर से आप जो बता रहे थे बताएं और ये भी दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर मतगणना की जा रही है। चुनाव हुए हैं उसमें मतगणना आज राजस्थान कॉलेज में 7 पंचायत समितियों की मतगणना हो रही है, तो वहीं कॉमर्स कॉलेज में 15 पंचायत समितियों के जो सदस्य हैं उनकी मतगणना यहां पर हो रही है। यहां पर अभी लगातार अलग अलग कक्षों के आपको बता दें नेटवर्क इश्यूज की वजह से शायद ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। हमारे संवाददाता वहां मौजूद है और परपल के अपडेट्स हमारे साथ साझा करते रहेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वहां पर मतगणना की जा रही है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज ये मतगणना की जा रही है और ये फैसला आज हो जाएगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है, क्या कुछ इन पेटियों में बंद है और क्या मतदाताओं ने इनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा है। 6 जिलों में मतगणना जारी है, राजस्थान के 6 जिलों में। जिला प्रमुख और प्रधान की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से आज सामने आ जाएगा और क्या कुछ मार्क्स दिए हैं जनता ने यह भी साफ हो जाएगा। एक बार फिर से रुक करेंगे एवन संवाददाता लोकेश ओला की ओर। जी लोकेश, विस्तार से हमें बताएं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आज जो भाग्य का फैसला है वो सभी पंचायत समितियों के सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों का होगा। फिलहाल जो मतगणना का काम है वो जारी हो चुका है। जिला मौजूद है, उनसे बात करें किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। सर, आज जो मतगणना होने जा रही है उसकी पूरी व्यवस्था प्रक्रिया है तो वो रहेगी पूरी। मतगणना सभी 15 पंचायत समितियों के कॉमर्स कॉलेज में और 7 पंचायत समितियों के राजस्थान कॉलेज में की जा रही है और एक टेबल पर एक ही वार्ड की काउंटिंग होगी। इस प्रकार से जितने जितने बूथ उतने राउंड होंगे और मैं समझता हूँ मेले के बाद ही जिला परिषद सदस्यों की काउंटिंग के लिए उनके एजेंट्स को हमने बुलाया है। सर, क्या विशेष पंचायत समिति जिला परिषद की काउंटिंग है तो लगभग उतने ही बूथ हो जाते हैं जो नगर निगम में भी थे, तो ऐसी परिस्थिति में जो पहले काउंट थी वैसी व्यवस्था अब है। चूंकि सीमित स्पेस है तो बाकी कोरोना के संदर्भ में मास्क के लिए हमने पाबंद किया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आप समझते हैं कि चूंकि स्पेस की लिमिटेशंस है इसलिए वो जो है उसको कुछ हद तक हम काबू कर पाए हैं, परंतु पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। सर, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद के सदस्यों के लिए होगा तो कब तक ये मतगणना कार्य? समझता हूँ कि 1 बजे बाद जिला परिषद की काउंटिंग शुरू होगी और 3 से 4 बजे तक हम इसको समाप्त कर पाएंगे। मतगणना का जो काम, तो जैसा कि हमने जाना कि शाम 4 से 5 बजे तक सभी तस्वीर साफ हो जाएगी, मतगणना वहां पर जारी है, कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि तस्वीरों में देखकर शायद ऐसा नहीं महसूस कर सकते हम क्योंकि भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन मास्क सभी ने लगा रखे हैं और कुछ हद तक सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखाई दे रही है। और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा रिपोर्ट कार्ड में, जनता ने क्या मार्क्स दिए हैं, क्या ग्रेड्स दिए हैं, ये बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी।
छह जिलों में मतगणना जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और जिला प्रमुख और प्रधान की किस्मत का फैसला आज शाम तक, देर शाम तक आ सकता है क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कॉमर्स कॉलेज की, जहां पर मतगणना जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता लियाकत अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरोही से। वहां का हाल बताएं लियाकत, क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, भारतीय पंचायती राज चुनाव 2021 के परिणाम का आज दिन है। सिरोही जिला परिषद की 21 सीटों को लेकर व सिरोही पिंडवाड़ा भीमगंज आबू रोड रेवतर की पंचायत समिति के 89 सदस्यों को लेकर आज मतगणना सिरोही के नवीन भवन विद्यालय परिसर में की जा रही है। वही गिनती यहां पर शुरू हो चुकी है। वही सिरोही जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के तौर पर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात कर रखा है। वही पार्टी में आपको बता दूं, जैसे जैसे मतगणना का दौर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों में चुनावी हलचले और भी तेज हो रही है। साथ ही उम्मीदवारों के दिल की धड़कने भी बढ़ती जा रही है कि आखिरकार नतीजा क्या आएगा, उनके पक्ष में आएगा। जी लियाकत, ये बताएं कि सिरोही में वो कौन सी समस्याएं हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा? जी बिल्कुल, इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा पूरी तरीके से मैदान में थे और उन्होंने सिरोही के विकास के मॉडल को लेकर वोट मांगा था। साथ ही भाजपा की तरफ से राजनीतिक केंद्र जो मुद्दे थे उन पर वोट मांगा है। वही जनता ने इस बार स्थानीय पंचायती राज चुनाव में अपने सदस्यों को लेकर स्थानीय गांवों में जिस प्रकार की समस्या है, उनके निराकरण जिस प्रकार हो रहे हैं, उसको लेकर वोट दिया है। तो अभी कुछ ही देर में यहां की स्थिति शुरू हो जाएगी साफ होना कि आखिरकार इस बार जनमत किसके साथ जा रहा है। जी लियाकत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता लियाकत अली सिरोही से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि मतगणना जारी है और किसी भी वक्त तस्वीर साफ हो सकती है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 6 जिलों में मतगणना जारी है और सभी जगह पर अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर जनता ने वोट किया है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें भुनाने की कोशिश अलग अलग पार्टियों की ओर से की गई है और अब रिजल्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस पार्टी के कौन सा मुद्दा भुनाने से फायदा हुआ है और मतदाता ने किसे वोट किया है, क्योंकि ये बेहद अहम है कि रिजल्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्योंकि जिला प्रमुख और प्रधान की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा, देर शाम तक सभी नतीजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और बात करें जयपुर की तो कॉमर्स कॉलेज में मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और देर शाम तक फैसला आने की उम्मीद है। और अलग अलग बाकी जिलों की भी बात की जाए तो वहां पर भी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त तस्वीर साफ हो सकती है। जैसा कि सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि विकास के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की गई है, दोनों ही पार्टियों की ओर से एक तरीके से विकास के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई है। और ये जानना बेहद अहम रहेगा कि क्या वही मुद्दे जनता के भी जहन में थे, क्या वही मुद्दों को देखकर जनता ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया था क्या। और इसी खबर पर एवन संवाददाता सुनील सत्यवादी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ दौसा से। सुनील, विस्तार से हमें बताएं, वोटिंग शुरू हो चुकी है क्या, वहां पर गिनती शुरू हो चुकी है क्या? जी भारती, दौसा पीजी कॉलेज जो की चुनाव मतगणना स्थल है, यहां पे मतगणना शुरू हो चुकी है। देखिए भारती, यहां 11 पंचायत समितियों के 225 सदस्यों व जिला परिषद के 29 सदस्यों के लिए मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। जी। चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देशन अनुसार सुबह 9 बजे से मतगणना पीजी कॉलेज में शुरू हुई है और 115 टेबलों पर मतगणना की जा रही है। मतगणना
तीन राउंड में होगी। इसके लिए 345 कर्मचारी लगे हुए हैं, 1722 अभिकर्ताओं के सामने यह मतगणना की जा रही है और 10 बजे तक पहला रुझान आने की संभावना है। भारती में बताना चाहूंगा, दौसा पीजी कॉलेज में इससे बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी भीड़ भाड़ है। हालांकि परिणाम आए तो 10 बजे तक आएगा, लेकिन उससे पहले लोगों की उत्सुकता बहुत ज्यादा है, उसी को लेकर यहाँ गहमा गहमी है। सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी है, लगभग 1000 जवानों का जाब्ता यहाँ लगा हुआ है। मुख्य द्वार पर पीजी कॉलेज पे पूरा जो आगर रोड है उसको ब्लॉक किया हुआ है, दुपहिया चौपहिया वाहनों के लिए बंद किया हुआ है, कल पैदल लोग ही आ जा सकते हैं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा हुआ है। मतगणना पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। जी भारती, सुनील, जैसे कि आपने बताया कि उत्सुकता बहुत है और इस वजह से भीड़ भी देखी जा रही है, लेकिन उत्सुकता अपनी जगह है, कोविड के नियमों की पालना की जा रही है कि नहीं, सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं? मैं भारतीय बताना चाहूंगा, कोविड के नियमों का पालना की कोशिश प्रशासन कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा। लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन मास्क अधिकांश ज्यादातर नाक के नीचे ही है। हालांकि प्रवेश द्वार पर जब उनकी एंट्री की जा रही है तो चेकिंग के बाद ही अंदर दिया जा रहा है, बिना मास्क के किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन अगर हम यूं देखें ओवरऑल तो लोगों ने मास्क नाक के नीचे ही अधिकांश लगा रखा है, तो कोविड और कोरोना गाइडलाइंस की है उनके अनुपालना बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। जी भारती जी, और दौसा के वो कौन से मुद्दे अहम रहे होंगे इस बार जिन्हें ध्यान में रखकर मतदाता ने वोट किया होगा? भारती मैं बताना चाहूंगा, चूंकि दौसा जो पूरी बेल्ट है, पूरा जिला है, इसमें जो अभी तक जो चुनाव का केंद्र रहा है वो पूरी तरह से जातिवाद का केंद्र रहता है। यहाँ व्यक्ति विकास बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, यहाँ सिर्फ और जातियों का गठबंधन एक दूसरे को साथ उसी पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी इन चुनावों में कहीं कहीं जो चूंकि छोटे चुनाव है तो मतदाता की पर्सनल छवि, उसका बैक ट्रैक रिकॉर्ड, पार्टी के प्रति उसकी आस्था और उसका बैकग्राउंड, ये चीजें भी महत्व देती है। भारतीय जो दोनों पार्टियों में पूरा दमखम लगा रखा है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशा इन चुनावों से, उन्हें लगता है कि पहली बार यहाँ दौसा में उनका प्रधान, उनका जिला प्रमुख बैठ सकता है। इसके अलावा लगभग 6 पंचायत समिति के वो सपना देख रहे हैं। जी, कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है उनके जो विधायक है मुरैल मीणा, वो भी बड़ी आशान्वित है। दोनों पार्टियों ने अपने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए उतारा था। बीजेपी कोर से यहाँ दिव्या सांसद भी आई, वो भी आई थी, बड़े नेता भी आए थे। कांग्रेस के लिए जो मुरैल मीणा है वो लगे हुए हैं, जी आर खटाना लगे हुए हैं, तो सब अपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं भारती। लेकिन देखना ये होगा जो कि 10 बजे बाद से पता चल पाएगा कि मतदाताओं ने किस पे भरोसा किया है, किनकी बातों को महत्व दिया है, विकास को महत्व दिया है, जाति को महत्व दिया है या व्यक्ति की कार्यशैली को महत्व दिया है। बिल्कुल, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता सुनील सत्यवादी, हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए थे इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस तरीके से मतगणना वहां पर शुरू हो चुकी है, भीड़ देखी जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने की जुगत में प्रशासन जुटा तो है, लेकिन एक हद तक ही इसे कामयाब माना जा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है, मास्क भी तरीके से नहीं लोग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना भी प्रशासन को करना पड़ रहा है। लेकिन जब तस्वीर सामने आएगी तब ये भी साफ हो जाएगा कि इस बार किस पर भरोसा किया है जनता ने। और सवाई माधोपुर का हाल जानेंगे, वहां पर किस तरीके से मतगणना हो रही है और क्या क्या देखने को मिल रहा है वहां पर माहौल, वहां पर लोकेश चटवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाई माधोपुर से। जी लोकेश, हमें विस्तार से जानकारी दें, मतगणना क्या शुरू हो चुकी है कि वहां पर, इसके अलावा वहां क्या नजारा देखने को मिल रहा है, विस्तार से जानकारी दें। जी भारती, बताना चाहूंगा कि जैसा कि हाल ही में यहाँ पर अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, 3 चरणों में सवाई माधोपुर जिले में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें गंगापुर, बौली, सवाई माधोपुर और मलारना डूंगर, खंडार व चौथ का बरवाड़ा इसमें शामिल हैं। जिसमें जिला परिषद के करीब 25 सदस्यों के लिए 148 अन्य जो पंचायत समिति सदस्यों के लिए कुल 498 कैंडिडेट यहाँ चुनावी मैदान में रहे थे। जी भारती, यहाँ साहुनगर स्कूल में यहाँ सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू कर दी गई है और अभी फिलहाल कोई परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ काउंटिंग जारी है। जी, और लोकेश अगर बात की जाए वहाँ पर इस वक्त जहाँ मतगणना की जा रही है उस प्रमाइसेस की, तो क्या कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना देखी जा रही है क्या?
जी भारती, इस बारे में बताना चाहूंगा कि जैसा कि कोरोना के चलते राज्य सरकार ने विभिन्न तरह की गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन जुगत में तो लगा है कि कोरोना गाइडलाइनों की पालना कराई जाए, लेकिन यहाँ एक खाना पूर्ति मैच नजर आ रही है जो कि आने वाले टाइम में अगर राज्य सरकार को दोबारा से कोरोना के चलते जो लॉकडाउन किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं यह बहुत बुरा साबित होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये भी बता दें कि सवाईमाधोपुर में वो कौन सी समस्याएं हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया होगा। लोकेश जी भारती, इसमें कि जैसा कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ सड़क व पानी से संबंधित काफी समस्याएं सामने आई हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ प्रत्याशी चुनावी मैदान कई विकास के कार्य भी ऐसे हैं जिनको लेकर भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी ने अपने वादे किए, लेकिन अब चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा वो जनता से किए गए वादे पूरे करते हैं या नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो जनता से किए गए वादे पूरे करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो तस्वीर बाद में साफ होगी लोकेश, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी साफ होनी बाकी है कि जनता ने भरोसा किस पर आखिर किया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश। और अब रुख करेंगे जोधपुर की ओर। रेवन संवाददाता दयाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दयाल सिंह, हमें विस्तार से जानकारी दें, मतगणना क्योंकि शुरू हो चुकी है सभी 6 जिलों में, क्या कुछ वहां पर चल रहा है जहां मतगणना जारी है बताएं। देखिए भारती, बताना चाहूंगा कि जोधपुर की जो जिला परिषद है उसके 38 वार्ड और साथ ही जो 21 पंचायत समिति है उनके सदस्यों के लिए मतदान हुआ था, जो आज उसकी मतगणना जोधपुर के इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निकल कॉलेज में शुरू हो चुकी है। ये मतगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में पंचायत समिति के सदस्य है उनकी मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है। अब कुछ ही समय में नतीजे सामने आने लग जाएंगे और प्रशासन ने पूर्णतः तैयारी कर रखी है। साथ ही जो प्रत्याशियों के गणक और उनके जो पोलिंग एजेंट जो पहुंचने वाले थे उन सबके अलग अलग पारी में कोरोना की गाइडलाइन की पालना के तहत उनको अलग अलग हिस्सों में बांटकर बुलाया गया है, जिससे कि कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना हो सके। और साथ ही जो मतगणना है जो सवेरे 9 बजे शुरू हो गई है और अब उसी समय में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जी दयाल सिंह, प्रशासन जुटा हुआ तो है इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि पालना सुनिश्चित की जा सके, लेकिन वहां का नजारा देखकर आप हमें बताएं कि क्या कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना की जा रही है क्या वहां पर? निश्चित तौर पे जिस तरह से जो यहाँ गणना स्थान पर पहुंचने वाले जो कैंडिडेट के प्रत्याशी है और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, तो वो निश्चित ही एक बार सारे सब मास्क लगाए हुए और साथ में जो सैनिटाइजर की व्यवस्था है वो भी प्रशासन ने कर रखी है और जो आ रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना क्या गाइडलाइन की पालना का कहा गया है। तो उसी तरह से जिस तरह से ईवीएम मशीन को भी चेक करना होता तो थोड़ी दूरी बनाकर और आराम से चेक कराया जा रहा है और उसके बाद जो है जो भी रिजल्ट है वो उनको बताया जा रहा है गणक को। जी दयाल सिंह, और ये भी बताएं कि जो कैंडिडेट उतरे थे मैदान में, जो सामने खड़े थे प्रत्याशी बनकर, कौन कौन से मुद्दों को भुनाया उन्होंने और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और ऐसी समस्याएं जिन्हें टारगेट करके उन्होंने वोट अपने पक्ष में मांगने की जुगत लगाई? निश्चित तौर पे जिस तरह से राज्य सरकार अपना काम कर रही थी कोविड काल में उसको भुनाने की कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने सीधे ये आरोप लगाते हुए कि कोविड में जो है चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं थी और विकास जो है पिछले इतने समय से जो है रुका हुआ है 2 सालों से और ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कहे थे। ऐसे में जोधपुर की राजनीति की बात करें तो मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण यहाँ की राजनीति बड़ी पेचीदा रही है। हालांकि गाँव में जातिवाद और जातिवाद हैवी होने के चलते हर बार क्रॉस वोटिंग होती है और जातिवाद के अनुसार कई दफे जो है जिला परिषद का बोर्ड और पंचायत समितियों में जो प्रधान है वो चुने जाते हैं, लेकिन इस बार जो रहा है कहा जा सकता है केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का सीधा टक्कर था। तो ऐसे में कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुए थे, कई भाजपा के ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जो मंत्री के टिकट वितरण के बाद जो आक्रोश कार्यकर्ताओं में आया उसका सामने देखने को मिला था। तो उस जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने के लिए कहा जा सकता केंद्रीय मंत्री ने लगातार प्रयास किए थे
लगातार दौरे करके चुनाव प्रचार में सभाओं को संबोधित करके अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से वैभव गहलोत जो स्वयं कई पंचायत समितियों में घूमे, यहाँ तक कि जैसलमेर तक उन्होंने दौरा किया और सब जगह जो है कांग्रेस में के पक्ष में जनता को मतदान करने का कहा था, इसके चलते निश्चित तौर पर जोधपुर की जो इस बार का जो ये ग्राम पंचायतों का चुनाव रहा है इसमें निश्चित तौर पर टक्कर देखने को मिलेगी। साथ ही इस बार जो रालोपा है वो भी काफी वर्चस्व दिखा रही, जिसके चलते के दोनों पार्टियों की जो है एक बार सरकार बनने में रालोपा का बड़ा हाथ रहेगा। जी दयाल सिंह, ये तो हमने दृष्टिकोण बताया कैंडिडेट्स का, अब हमें आप ये बताएं कि ग्राउंड जीरो पर जब आप निकलते हैं तो आपने कौन से ऐसे मुद्दों को देखा जिन्हें ध्यान में रखकर जनता ने वोट किया होगा, या कौन सी ऐसी समस्याएं आप देख रहे हैं? देखिए बताना चाहूंगा, जिस तरह के अभी इस बार बारिश भी कम हुई है तो पानी की समस्या एक बड़ी समस्या रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, हम भी पिछले लंबे समय से ऐसी कवरेज कर रहे थे जिसमें लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा था या पशुओं के पीने के लिए भी पानी नहीं पहुंच रहा था, जिसके चलते ये समस्या एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इस और काफी प्रयास किए गए हैं सरकार की तरफ से जिससे की जनता को पानी समय पर मिले, लेकिन इस बार जो ये मुद्दे है सड़क पानी और इन सबको जनता ने निश्चित तौर पर बुनाया। और कई जगह बालेश्वर पंचायत समिति और कई समितियों में जगह जगह देखने को मिला था कि चुनाव जैसे नजदीक आ रहे थे तो लोगों ने यहाँ तक घोषणा कर दी थी ग्राम पंचायत के लोगों ने इकट्ठा होकर, हम मतदान नहीं करेंगे जब तक हमारे गाँव में पानी नहीं आ जाता। जी, जी। और ऐसे मुद्दे जो है निश्चित रहे हैं। और साथ ही जो प्रशासनिक तौर पर जो कमियां रही है, कई दफे जो अभी परिसीमन हुए थे, नई पंचायत समितियां बनी थे, वो भी कई मुद्दे जो रहेंगे इस बार जो है चुनाव में मुद्दे बनके सामने आएंगे और जिसके चलते जनता ने वोट किया है। जी दयाल सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता दयाल सिंह, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि वहां पर किस तरीके से माहौल है, प्रोटोकॉल्स की पालना तो की ही जा रही है, साथ ही ये भी हमें बताया कि वो कौन से मुद्दे थे, जनता के दृष्टिकोण से भी बताया और ये भी बताया कि कैंडिडेट्स ने कौन कौन से मुद्दों को भुनाने की पूरी पूरी कोशिश की है।